हेलो दोस्तों, द पेशेंस वुल्फ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ डिस्कस करने के लिए कि पीएफसी हमने जो लिया था उसने इतनी सारी रैली क्यों पकड़ी है। पहला तो ये हमारे स्विंग स्टॉक स्कैनर में आया था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो रैली है कितनी बढ़िया रैली है, सीधा ही ऊपर, ठीक है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने इसको कहाँ पर पकड़ा था, ये देखिए पीएफसी जो स्टॉक है उसको हमने पकड़ा था यहाँ पर। ये जो कैंडल है ये वाली, उसको हमने यहाँ से हमने बाय किया था 154 में, मुझे अभी भी याद है 154 में लिया था। और क्लियर ब्रेकआउट देखिए, अभी देखिए कितना बढ़िया भाग रहा है यहाँ से 154 से। अभी देखिए 168 हाई तो उससे भी ज़्यादा है, 169 170 अराउंड होगा, यानी कि सीधे सीधे 10 से 11 रुपीज़ अब, यानी कि सीधा सीधा 10% स्टॉक ऊपर ही गया है बिना स्टॉप लॉस दिए या बिना किसी स्विंग लो के, सीधा डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ है, तो यही इस स्कैनर की खासियत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर आया था, ये ऑलरेडी ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, और हमने यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, उसके बाद भी ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कैनर है, ठीक है। उसको मैंने आज भी अपनी चैनल में शेयर किया था, जो दो स्टॉक आज फ्रेश एंट्री आई थी, जो मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, फॉर स्विंग, ठीक है। स्विंग के लिए जो भी स्टॉक आए थे वो मैंने शेयर कर दिए हैं, कौन कौन से थे देख लेते हैं, क्यूमिंस इंड और गेल। पीएफसी उसकी एंट्री हमारी पहले हो गई थी, तो बाद में जो स्टॉक आता है उसको हम इग्नोर करते हैं। स्कैनर में एक बार आने के बाद कॉन्स्टेंटली दूसरे तीसरी बार आता है स्टॉक, तो हम उसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। गेल और क्यूमिंस इंड इस मंथ में फ्रेश एंट्री आई है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसका चार्ट क्या बोलता है। आज भी 2% अप है, और उसने आज ही सुबह से हमने हमको बता दिया था कि ये स्विंग में आ सकता है। देखिए कोई भी स्टॉक जो स्विंग में आता है उसको हम डायरेक्टली तभी नहीं लेते हैं, उसको हम 3.75 से 3.75 लेके 3:30 तक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए गेल, हाँ इस स्कैनर में ये पहले भी यहाँ पे कहीं पे आया था फ़रवरी में, उसके बाद मार्च में यहाँ पे आया है, मतलब कि आज इस कैंडल पे आया है, ठीक है। वीकली पे देखते हैं कोई रेजिस्टेंस है, हाँ देखिए कितना बढ़िया, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये हेड है, ये शोल्डर, ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो उसका टारगेट कितना होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हेड एंड शोल्डर को इग्नोर करें तो फिर इसमें ये सॉरी एक कप जैसा भी बन रहा है, ये देखिए देख रहे हैं आप। तो आगे जाके अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करता तो एक छोटा सा हैंडल बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, या फिर इस मंथ में ही ब्रेकआउट दे देगा, दो चांसेस है, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट में ये देखिए 110 है, और इसकी डेप्थ है 88, यानी 90 समझ लीजिए, तो सीधे सीधे 20 रुपये की रैली इसमें आ सकती है। 20 रुपये यानी कि हम टारगेट लेकर चल सकते हैं 130 तक, 130 तक। यहाँ पे देखते हैं अभी सीधा जाता है, ठीक है, या फिर हैंडल बनाता है, ठीक है। मार्केट अभी थोड़ा थोड़ा बुलिश साइड में जा रहा है, तो चांसेस है कि ये ऊपर ही जाए, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। दूसरा स्टॉक था क्यूमिंस इंड, क्यूमिंस इंड 2.4% भागा है, बढ़िया है। ये देखिए क्यूमिंस इंड जो है इस कैंडल में, फर्स्ट वाली जो कैंडल है आज की, उसमें हमें मिला था, ठीक है। इसने वीकली ब्रेकआउट तो दे दिया है, देखते हैं अभी डेली में क्या हो रहा है। डेली में भी देखिए, डेली में भी अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये देखिए क्लियर ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, क्लियर ब्रेकआउट है। अब देखते हैं कल इसमें क्या होता है, ठीक है। इसको आप इंट्राडे भी करना चाहे तो आप कर सकते हो, उसमें आपको क्या करना है देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए बताना जा रहा हूँ क्योंकि ये जो स्कैनर है वो मैं अभी थोड़े टाइम में 100 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको पब्लिकली देने वाला हूँ, तो तब आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ देखेंगे, आगे रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, इसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप स्कैनर का बढ़िया से बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई स्विंग की बात, ठीक है। स्विंग में आपने देख ही लिया, आराम से 5 से 10% तो 2-3 दिन में ही दे देता है स्कैनर, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी डेली टाइम फ्रेम में हमें कोई स्टॉक मिलता है तो उसमें जिस दिन मिला है उस दिन का लो, या फिर अगले उसके अगले दिन का लो, जो आपको सही लगे वो एसएल की तरह लेना है, और उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी मैनेज करके, रिस्क मैनेजमेंट करके आगे टारगेट
मिनिमम 5% और उससे ज़्यादा टारगेट टू 10% रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशंस आती है जिसमें कैंडल देख के हमें पता लग जाता है कि ये 20% से भी ज़्यादा कॉन्स्टेंट टारगेट हमें दे सकता है। वो को क्या क्या होता है वो हम जैसे जैसे आगे चार्ट आएंगे, जैसे जैसे स्क्रीनर में स्टॉक आएंगे, वैसे वैसे मैं समझाता जाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये हुई स्विंग की बात। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या देखना होता है। अगर इंट्राडे स्कैनर है और उसमें स्कैनर में आए कि भाई ये इंट्राडे के लिए है, तो आपको इसमें क्या देखना है, तो उसमें देखना है पहली 15 मिनट। जी हाँ, पहली 15 मिनट में ये देखिए, जैसे कि ये 15 मिनट की एक कैंडल हुई, ठीक है। तो पहली 15 मिनट का हाई और लो जब ब्रेक हो, देखिए इसमें ब्रेक हुआ है, तो पहली 15 मिनट की कैंडल जब ब्रेक हो तब उसमें एंट्री बनानी है, ठीक है। उसका लो जो है 15 मिनट का लो वो ऐसे लेना है और उसके हिसाब से आपको 1% या 2% सॉरी 1.2 या 1.3 उसके हिसाब से आपको टारगेट रखना है। जैसे कि ये देखिए, ये समझ लीजिए जो भी होगा उसका 1:2 टारगेट हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अगर x है तो ये 2x 3x समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चलता है। इंट्राडे में और क्या देखना होता है वो आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। हमने आपको इंट्राडे के लिए भी स्टॉक दिया था फॉर इंट्राडे टुडे, उसमें भी गेल और PFC आया था, उसके अलग IGL और NTPC भी था, उसमें देख लेते क्या हुआ है। IGL 15 मिनट, ये रही पहली 15 मिनट की कैंडल। आप देख सकते हैं कि ये रही 15 मिनट की कैंडल, ये देखिए अब इसमें एंट्री हुई है नहीं हुई है ना, क्योंकि 15 मिनट का हाई इसने तोड़ा ही नहीं है। ये देखिए अब जो लास्ट कैंडल है उसमें उसने बहुत अच्छा पावर दिखाया है। तो ये स्टॉक आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं, यानी कि कल ये जो 15 मिनट है, ये जो 15 मिनट, ठीक है, ये 15 मिनट का हाई जब टूटता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया भागेगा, ठीक है। उसके सिवा हमने दूसरा देखा था IGL और NTPC, उसमें क्या हुआ है देख लेते हैं हम। ये देखिए ये जो पहले 15 मिनट की कैंडल है ये रही नीचे ऐसे लो पर जो उसकी एंट्री होगी, ठीक है, उसमें एंट्री के बाद ये साइडवेज हुआ है ऐसे, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक इंट्राडे के लिए है, तो अगर इसने कोई टारगेट नहीं दिया है 1:1 या 1:2 तो आप 3 बजे या 2:15 बजे जो भी आपको अच्छा लगे निकल जाते हैं, ठीक है, उसको आगे होल्ड नहीं करते क्योंकि ये स्कैनर इंट्राडे के लिए है। कल जाके कुछ भी हो, कोई न्यूज़ आ जाए तो ये सडन मूवमेंट लेके घिर सकता है, ठीक है, इसलिए हमें इसमें रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको होल्ड करना ही है तो स्विंग में जो ट्रेड आते हैं उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि क्या करना है आपको स्कैनर मिलने के बाद। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।